आज ये जो बस रवाना हो रही है कहाँ पे, कहाँ के लिए रवाना हो रही है, इसके बारे में बताएंगे। हम लोग रुकी समाज के लोग सब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बम्बई में दादर में हम लोग सब प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। और रुकी समाज के जो भी कार्यकर्ता है जो भी है और हमारे जो भाई लोग हैं बहन लोग हैं सब सपोर्ट करके हम लोग आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। आज मतलब आज आप लोग जो बस लेके जा रहे हैं कहाँ ले जा रहे हैं क्या? हम लोग कांग्रेस पार्टी के हम लोग जो रुकी समाज के हैं दादर में तिलक भवन मुख्य में लेके जा रहे हैं, उधर प्रवेश कर रहे हैं। और जो रुकी समाज के हर एक जगह से हर एक एरिया से हम लोग ने लेडीज़ों को लेके चल रहे हैं एक ही रास्ते पे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज भिवंडी शहर कार्यालय से विजय एंटी सेल के ग्रामीण के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और विजय एंटी सेल के शहर अध्यक्ष मारुति जी के नेतृत्व में ये तमाम लेडीज बॉम्बे तिलक भवन में जाके नाना भाऊ के हाथ से कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। और आपके चैनल से मैं और एक चीज़ बताता चलूँ, कल ही बीएसपी पार्टी के कम सैकड़ों लोग भिवंडी कार्यालय में पार्टी में शामिल हो के ये कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए और कांग्रेस का जनाधार आज इस तरीके से बढ़ रहा है, ये आप सभी लोगों को दिख रहा है। और आने वाले समय में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश को संभाल सकती है। आज शहर के अंदर देश के अंदर जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं वो फेल है, उसको अगर ख़त्म करना है तो हमें कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। ऐसे तमाम लेडीज़ तमाम भाई हर रोज़ दिन पर दिन कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में भिवंडी शहर में भी कांग्रेस की ही सरकार रहेगी और देश में भी रहेगी और महाराष्ट्र के अंदर भी रहेगी। ये शिंदे सरकार देखो सही मायने में तो ये है कहीं ना कहीं जो है ये भाजपा सरकार का एक चाल है और वो चाल में बहुत ज़्यादा दिन कामयाब नहीं होंगे। आने वाले समय में ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है और आप सब लोग जानते हो कि क्या वजह है और क्यों शिवसेना के लोग यहाँ से वहाँ गए हैं। अच्छे अच्छे लोगों के पीछे ईडी और पीडी लगा रहे हैं, उसके डर की वजह से ये एक नई सरकार बनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक चलेगी। बड़े पैमाने में महिलाएं और युवाओं का कांग्रेस प्रवेश हो रहा है, ये प्रवेश नाना बहू के हाथों से तिलक भवन दादर यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज यहाँ पर की जितनी भी महिलाएं पूरी तरह से भाजपा सरकार से एकदम मतलब हैरान परेशान हो गई और वो खुद घर से निकल के उनको उनके काम होने के लिए पक्ष में आके कांग्रेस के साथ में सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। मैं भिवंडी की सारी महिलाओं को दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे कांग्रेस पक्ष में शामिल हुए और साथ में रहे। धन्यवाद।